नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बुध प्रदोष व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन या त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है और यह हर महीने दो बार आता है, एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। इस व्रत में महादेव की पूजा की जाती है और यह व्रत उपवासक को बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। प्रदोष व्रत जब बुधवार को पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुध प्रदोष व्रत सर्व कामना सिद्धि के लिए किया जाता है। बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, हरे वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान शंकर की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति का नया नया विवाह हुआ था और उसकी पत्नी दो दिन बाद अपने मायके चली गई। फिर वह व्यक्ति विदा कराने के लिए ससुराल गया। उसने सास से कहा कि वह अपनी पत्नी को लेने आया है। सास ने कहा कि बेटा, आज तो बुधवार है, आज विदा करा के ले जाना शुभ नहीं है। बुधवार के दिन कहीं आना और जाना नहीं चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। उसके ससुर, साली सालियों, पड़ोसियों सब ने बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पराए व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति की सकल शोहरत का था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराए व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शक्ल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से भ्रवित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने घर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे। प्रदोष व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सबसे आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं। ये आदि हैं, वे ही अंत हैं। उनसे ही जीवन है, उनसे ही मृत्यु है, वही महाकाल हैं। त्रयोदशी के दिन जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं उनको रोगों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, दुखों और पाप का नाश होता है। जिन लोगों को कोई संतान नहीं होती उन लोगों को वंश वृद्धि के लिए संतान का आशीष मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो सके तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती और गणेश जी की भी पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, फिर भगवान शिव को भोग लगाएं।
इस बात का ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान शिव का अधिक से अधिक ध्यान करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।